हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्टन और सिर्फ 117 सीढ़ियाँ चढ़ने में तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन अगर सीढ़ियाँ महाराष्ट्र के हरिहर फोर्ट की हो तो ये 117 सीढ़ियाँ मौत का दूसरा रूप नजर आती है, क्योंकि गलती से भी अगर आप इन 3000 फीट की ऊंचाई से गिरे तो इस ऐतिहासिक जगह पर आप भी इतिहास बनकर रह जाएंगे। पर सिर्फ यही दुनिया की इकलौती सीढ़ियाँ थोड़ी ना है जो आपको यमराज के दरवाजे पर खड़ा करती है। चाइना के माउंट हसन की 90 डिग्री वाली सीढ़ियों को तो देखकर आपको चक्कर ही आ जाएंगे। और क्या आपको पता है, सीढ़ियों से गिरकर हर साल लगभग 1000 लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु, आप अभी भी ये खौफनाक सीढ़ियों से नहीं डरे तो ये सीढ़ियां आपके लिए। क्या आप भी ये सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हैं? तो इसका लोकेशन, इसका पता, इसका एड्रेस आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आज हम एक ऐसी सीढ़ियों के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है मचू पिचू। हालांकि ये नाम थोड़ा सा विचित्र जरूर है, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ भी तो विचित्र ही है ना। अब जिन मौत की सीढ़ियों के बारे में मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, वो आज से करीब 500 साल पुरानी है और इसका नाम है स्टेयर्स ऑफ डेथ। सी लेवल से 8923 फीट ऊंचाई पे मौजूद ये सीढ़ियों पे किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं लगाई गई है, मतलब कि पब्लिक के पास एक तरफ सर्द मौसम से भीगी भीगी दीवारों को पकड़ने के अलावा कुछ भी नहीं होता और दूसरी तरफ तो भैया लंबी लंबी खाई होती है। गलती से भी कोई फिसल गया तो नीचे रूबामा नाम की नदी आप ही के स्वागत के लिए 24 घंटे तैयार होती है, यानी कि पैर फिसला तो मरना तो 200% फिक्स है। और इस खौफनाक सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको 3 घंटे तक का टाइम भी लगता है। लेकिन टूरिस्ट की असली एग्जाम तो इन सीढ़ियों पे चढ़ने से ज्यादा उससे उतरने में हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, मौत का मुखौटा बनी हुई ये सीढ़ियों की वजह से आज तक किसी की भी जान नहीं गई है। तो आखिरकार इसका नाम स्टेयर्स ऑफ डेथ कैसे पड़ा? वेल, ये राज तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मौत की ये सीढ़ियाँ दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए दिल को दहला देने वाली सीढ़ियों में फेमस है। इन सीढ़ियों को चढ़कर लोग इनका एम्पायर की स्थिति को और उनके बनाए हुए मिस्टीरियस टेम्पल को देखने के लिए जाते है। अगर आपको भी इन सीढ़ियों पे जाने का मन कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत निकल सकते है, लेकिन हाँ, जेब में पैसे जरूर रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि आपका दोस्त भी ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।